हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और उनके आसपास बनने वाले जो भी सवाल है उनके ऊपर जो परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों क्या है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं, यानी सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले हैं वो मरुस्थलीय माने गए हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, 9, 14, 11 और 12। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, देखिए मैं आपको एक मैप के हिसाब से भी बता दूं, अगर आप समझना चाहो इस तरह से तो भी आप समझ सकते हो। सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर कितने मरुस्थलीय जिले हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर 12 जिले हैं, वो कितने हैं, मरुस्थलीय जिले हैं, यानी 12 जिले हमारे राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिले हैं। हमारे यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ से एक पहाड़ी निकलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये क्या है 12 जिले आते हैं और ये 12 जिले क्या माने गए हैं दोस्तों, ये माने गए हैं मरुस्थलीय जिले। इसके अलावा एक दो बात और याद रखना कि राजस्थान के पूरा जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है, यानी 61% भाग है वो कैसा है, मरुस्थलीय भाग है। सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वहां पर पूर्व में क्या था, प्राचीन काल में क्या था, तो प्राचीन काल में ये मरुस्थल है किसका अवशेष था, तो दोस्तों ये था 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो ये मरुस्थलीय जिले हैं इन जिलों के अंदर जो संख्या है राजस्थान के अंदर वो 12 है, 61% भाग पर फैला हुआ है, 33 महासागर का ये अवशेष माना जाता है। कई बार अगर ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उगने वाली वनस्पति कैसी होगी, शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति का मतलब ये होता है कि वो वनस्पति जो कम पानी में क्या होती है, उग जाती है। कभी भी अगर सवाल पूछा जाए आपको कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में औसत बारिश कितनी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों इस पूरे मरुस्थल वाला ये जो राजस्थान के मैप वाला जो इस साइड वाला हिस्सा है, पूरे राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर औसत बरसात होती है महीने के एक साल के अंदर कितना सेंटीमीटर होती है, तो 50 सेंटीमीटर होती है। तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिले 12 जिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति शुष्क वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का ये पूरा क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल के 61% भाग पर लगभग क्या फैला हुआ है, मरुस्थल है, और ये मरुस्थल किसका अवशेष है, 33 महासागर का अवशेष माना गया है। और इस 33 महासागर वाले अवशेष में जो ये मरुस्थल कहा जाता है वर्तमान में, यहाँ पर पूरे साल में औसत बारिश कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। सवाल पूछा है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है और पूछा है कहाँ पर स्थित है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है खड़नाल, तीसरा है परबतसर और चौथा है शाहपुरा। दोस्तों मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है और मुख्य तीर्थ स्थल है वो है खड़नाल। कहाँ है दोस्तों, खड़नाल के अंदर है। और खड़नाल कहाँ है आप लोगों को पता होगा, नागौर के अंदर है। कहाँ है, नागौर के अंदर। और इनका तेजा जी का मेला कब आयोजित होता है, कई बार पूछा जाता है तेजा जी का मेला। दोस्तों ध्यान रखना भाद्रपद में आता है, और भाद्रपद में भी कब आता है, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी कब आता है, शुक्ल पक्ष में भी आता है दशमी के दिन। क्या, किस दिन, दशमी के दिन। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों तेजा जी जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता माने जाते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जिनके ऊपर सर्वाधिक गाने बने हैं, और वो कौन से लोग देवता हैं, तेजा जी है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि राजस्थान के अंदर 5 पीर होते हैं, 5 प्रमुख लोक देवता हैं, 5 पीर कहा गया है, उन 5 पीरों में तेजा जी का स्थान नहीं है। 5 पीर है, 5 पीरों में तेजा जी का स्थान नहीं है, फिर भी ये क्या है, लोकप्रिय लोक देवता है।
ठीक है। तो तेजा जी का प्रमुख स्थल है वो कहाँ कौन सा माना जाता है, खड़नाल। कई लोग कर देते हैं पर्वतसर, देखिए पर्वतसर में तेजा जी पशु मेला का आयोजन होता है और मुख्य तीर्थ स्थल है इनका जो बड़ा मेला आयोजित होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है, खड़नाल में। और पर्वतसर में पशु मेला आयोजित होता है वो भी तेजा जी की स्मृति में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है। अब बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी पूछी है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, नागनेची माता है, वाहन माता है, करणी माता है और अंबिका माता है। दोस्तों सवाल पूछा किसका है, तो इस एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो देखिए, जो बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी है वही जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है और वो कौन सी माता है, नागनेची माता। क्योंकि बीकानेर के जो राठौड़ है उनका मूल स्थान मारवाड़ बताया गया है यानी जोधपुर बताया गया है। अब नागनेची माता का मंदिर पूछे आपको तो आप लोगों को ध्यान रखना, इनका मंदिर है नगाना के अंदर और नगाना कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि नागनेची माता का प्रतीक पूछा जाए कभी भी तो एक पक्षी है चील, जिसको चील भी कहा जाता है, बाज भी कहा जाता है। एक चीज याद रखना कि इनका सवाल कई बार पूछा गया कि नागनेची माता का प्रतीक कौन सा पक्षी है, चील या बाज, क्योंकि जोधपुर रियासत का जो झंडा है उस झंडे में ध्यान रखना चील का निशान है। इसके अलावा नागनेची माता की मूर्ति कितने भुजाओं वाली है, तो 18 भुजाओं वाली इनकी क्या है, मूर्ति। अब नागनेची माता का जो मंदिर है वो किसने बनाया था, तो देखिए यह बनाया था हट्टड़ ने। किसने बनाया था, राव हट्टड़ ने। राव हट्टड़ थे, इन्होंने लगभग 13वीं शताब्दी में ये बनाया था। इसके अलावा जो नागनेची माता की मूर्ति है वो किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। कहा जाता है कि ये जो लकड़ी है वो लकड़ी की मूर्ति बनी है, नीम की लकड़ी की। इसीलिए जोधपुर के अंदर या बीकानेर के अंदर जिन लोगों की या जिन राजवंश की कुल देवी नागनेची माता है वो लोग क्या नहीं, कौन से पेड़ की जो होता है नहीं जलाते हैं, नीम का पेड़ होता है यानी नीम की लकड़ी वो लोग नहीं जलाते हैं। इसके अलावा नागनेची माता के बारे में ध्यान रखना दोस्तों कि ये बीकानेर और राठौड़ों दोनों, बीकानेर और मारवाड़ दोनों के राठौड़ों की क्या मानी जाती है, कुल देवी। राव हट्टड़ जी ने इनका मंदिर बनवाया था, चील या बाज है वो इनका पक्षी प्रतीक माना जाता है, 18 भुजाओं वाली में मंदिर नगाना बाड़मेर के अंदर है और जो नीम की लकड़ी है उसको जो राठौड़ वंश के लोग होते हैं या जो माँ चामुंडा होती है, सॉरी नागनेची माता, नागनेची माता के जो मानने वाले होते हैं कुल देवी मानने वाले लोग होते हैं वो नीम की लकड़ी नहीं जलाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो नागनेची माता है, ये नागनेची माता बीकानेर और राठौड़ों की कुल देवी है। मैं फिर से बता देता हूँ, कहाँ की, बीकानेर की और मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, जूनागढ़ किला स्थित है। अब पूछा है जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए, बाड़मेर हैं, जैसलमेर हैं, बीकानेर हैं, ठीक है, बाड़मेर हैं, जैसलमेर हैं, बीकानेर हैं और भीलवाड़ा है। दोस्तों सवाल पूछा है जूनागढ़ दुर्ग का, जो ये जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों ध्यान रखना ये कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना इस दुर्ग का ज़्यादातर निर्माण करवाया था बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह। इसके अलावा ध्यान रखना कि जूनागढ़ दुर्ग है इसको कहा जाता है जमीन का जेवर, जमीन का क्या कहा जाता है दोस्तों, जेवर कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग है वो क्या कैसा दुर्ग है, तो ये स्थल दुर्ग है, एक समतल स्थान पर बना हुआ है ध्यान रखना। तो बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण राय सिंह ने कहा करवाया था, स्थल दुर्ग है, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सातू गांव जालोर और पांचोटा गांव जालोर। तो ध्यान रखना दोस्तों सवाल पूछा है मल्लीनाथ जी का और मल्लीनाथ जी का भी क्या पूछा है दोस्तों, मंदिर। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर ये कि दोस्तों तिलवाड़ा के अंदर है, कहाँ पर है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पर है, ये बाड़मेर के अंदर है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो ये मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है, इन मल्लीनाथ जी के नाम पर ही एक जगह है जिसका नाम पड़ा है गुड़ा मालानी, और गुड़ा मालानी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नाम है वो किससे मिलता है, मल्लीनाथ जी से। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों मल्लीनाथ जी है, इस मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है इन मंदिर के आसपास कौन सा मेला लगता है, पशु मेला। तो ध्यान रखना बाड़मेर में पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है,
मल्लिनाथ जी के मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर पशु मेले का आयोजन होता है। कई बार सवाल पूछ ले कि ये कब होता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी और कहाँ तक चलता है, चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। लगभग 15 दिन ये मेला चलता है और यहाँ पर राजस्थान के पशु आते हैं जिनकी क्रय विक्रय होता है, यानी यहाँ पर व्यापारी आते हैं जो पशुओं को पालते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल एक बार क्या पूछा था कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो किस नदी के समीप है, लूणी नदी के समीप है, ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा गया है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लिनाथ जी के नाम पर ही गुड़ामाला ने नाम रखा गया है इस कस्बे का। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को मेला आयोजित होता है और पशु मेला आयोजित होता है और ये मंदिर है लूणी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोक नायक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया। चार ऑप्शन है आपके सामने, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, उसके बाद अर्जुन लाल सेठी और जमुना लाल बजाज। दोस्तों पूछा किसका है, वो पूछा है लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक नाम लिख रहा हूँ जिनके आसपास बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और ये नाम बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे राजस्थान में। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास को कहा जाता है, ध्यान रखना, लोक नायक। क्या कहा जाता है, लोक नायक। इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान। और क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, लक्कड़ और बग्गड़ के धनी, लक्कड़ और पक्कड़ के धनी, यानी ये हर चीज में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, लोक नायक, शेर ए राजस्थान, लक्कड़ और बग्गड़ के धनी, और इनको कुछ महत्वपूर्ण जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत, कौन से, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जय नारायण व्यास। ध्यान रखना दोस्तों कि जय नारायण व्यास को धुन के धनी भी कहा जाता है, किसके, धुन के धनी भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो धुन के धनी है जिनको जय नारायण व्यास कहा जाता है, इन जय नारायण व्यास ने ही जोधपुर के अंदर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 में। इसके अलावा मारवाड़, क्या, किसकी स्थापना की थी, मारवाड़ लोक परिषद की भी स्थापना 1938 में की थी। जय नारायण व्यास, एरे राजस्थान, लोक नायक, लक्कड़ व वक्कड़ के धनी, निर्वाचित व मनोनीत, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, धुन के धनी कहा जाता है, जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और रहने वाले भी कहाँ के थे, ये जोधपुर के थे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, राजस्थान में ग्वेटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं। वापिस सुन लीजिए, राजस्थान में ग्वेटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं। चार ऑप्शन है, हाड़ा राजवंश, सिसोदिया राजवंश, कछवाहा राजवंश, इसके अलावा चौहान राजवंश। दोस्तों सवाल पूछा है ग्वेटोर की छत्रियाँ, किसकी छत्रियाँ, ग्वेटोर की छत्रियाँ, और इसका पूछा है कि ये किस राजवंश से संबंधित है और किस जिले में है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो ग्वेटोर की छत्रियाँ हैं ये हैं जयपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों, ये हैं जयपुर में। अब इसमें क्या है, तो जयपुर के जो शासक है जयपुर में, देखना, जयपुर में मानसिंह द्वितीय से लेकर, किससे, मानसिंह द्वितीय से लेकर, ध्यान रखना किस किस से संबंधित है, तो जयसिंह द्वितीय से लेकर, वापस देख लीजिए, जयसिंह द्वितीय है, इन जयसिंह द्वितीय से लेकर मानसिंह द्वितीय तक की यहाँ पर क्या है, छत्रिया बनी हुई है, यानी ये जो जयपुर के अंदर जो कछवाहा परिवार राज परिवार था, उस कछवाहा राज परिवार था, उस राज परिवार का ये क्या माना जाता है, शमशान माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है। सवाल पूछा है ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों में लोकप्रिय है, वेशभूषा है, ध्यान रखना, चार ऑप्शन है आपके सामने, राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, जाट स्त्रियां।
तो ध्यान रखना दोस्तों कि तारा भांत पूछे कभी भी एग्जाम में, ध्यान रखना, तारा भांत कैरी भांत, कौन सी भांत, कैरी भांत, तारा भांत और फूल भांत, कौन सी, फूल भांत। इसके अलावा सवाल पूछ ले चुन्नड़ भांत, ये जो पीछे पीछे जिनके भांत लग रहा है इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि ये राजस्थान के अंदर जो आदिवासी महिलाएं हैं उन आदिवासी महिलाओं की क्या है, प्रमुख जो वेशभूषा है, यानी ये एक ओढ़नियां होती हैं जिसको ओढ़ना कहते हैं मारवाड़ी सीधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था। चार ऑप्शन है, गौरी शंकर ओझाचंद ओझा, जी ए ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट और कवि राजा श्यामल दास। देखिए सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो किया था जी ए, किसने, जी ए ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले क्या किया था, राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक आधार पर क्या किया था, वर्णन किया था। और इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर क्षेत्रवार के हिसाब से राजस्थानी भाषाओं को, जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में भी विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है, ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हैं, गुड़ला नर्ती है, बगड़िया नर्ती है, पणियारी नर्ती है और कालवेलिया नर्ती है। सवाल पूछा है गुलाबों का संबंध किस नर्तीय से है, गुड़ला नर्ती है, बगड़िया नर्ती है, पणियारी नर्ती है या फिर कालबेलिया नर्तीय। दोस्तों सवाल पूछा है गुलाबों, और गुलाबों का जो संबंध है सीधा सीधा कहूँ तो आपको कालबेलिया नर्तीय से है, लेकिन इसके अलावा और गुलाबों से क्या बनता है, तो ध्यान रखना गुलाबों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा कालबेलिया नर्तीय को अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने क्या दिलाई थी, पहचान दिलाई थी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गुलाबों से संबंधित कुछ सवाल अगर पूछ ले कि गुलाबों किस जिले से रहने वाली है, तो ध्यान रखना अजमेर जिले में एक गांव है कोटड़ा, उस कोटड़ा गांव की ये रहने वाली है, कौन है, गुलाबो। इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर एक और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान के अंदर ये कालबेलिया नर्तकी जिसको गुलाबो कहा जाता है, ये बिग बॉस जो एक टीवी पर आता है सीरियल, बिग बॉस के अंदर भी जा चुकी है और बिग बॉस का जो 12वां सीजन है उस 12वें सीजन के अंदर यह पार्टिसिपेट भी कर चुकी है। तो सवाल पूछ ले कि राजस्थान की किस लोक नृत्य कलाकार ने बिग बॉस 12 में भाग लिया था, तो गुलाबों ने लिया था। गुलाबो अजमेर के कोटड़ा की रहने वाली है, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। इसके अलावा अगर सवाल पूछ ले आपको कि कालबेलिया स्कूल डांस, कालबेलिया स्कूल डांस कहाँ पर है, तो कालबेलिया स्कूल डांस कहाँ पर है, यानी कालबेलिया नृत्य संस्थान वो जयपुर में है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके ऊपर अपन ने चर्चा की और इनके आसपास बनने वाले नए प्रश्न। तो दोस्तों नई नई टेस्ट सीरीज और नए नए वीडियो को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।